नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव अलग और दिलचस्प रंग दिखा रहा है। जहां बड़े बड़े दिग्गज नेता पार्टियों को छोर पकड़ रहे हैं, वहीं रिश्तों में भी टकराव देखने को मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में मोकामा विधानसभा सीट की, जहाँ से मोकामा के बाहुबली नेता अनंत सिंह ने राजद की तरफ से पर्चा भरा था। अब उसी सीट से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने निर्दलीय पर्चा भरा है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि क्या नीलम देवी अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो शायद आप गलत सोच रहे हैं। दरअसल अनंत सिंह कई मामलों में सजा याफ्ता हैं और उन्हें डर है कि कहीं उनका नामांकन रद्द ना हो जाए। ऐसे में अगर उनकी पत्नी मैदान में होंगी तो राजद उनका समर्थन कर देगी। ऐसी उम्मीद जताई जा रही कि शायद यही सोच के अनंत सिंह ने अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा है। बहरहाल इसके पीछे जो भी कारण हो, लेकिन इतना तो तय है कि एक ही सीट से पति और पत्नी दोनों मैदान में हैं। आइए जानते हैं नीलम देवी का राजनीतिक गलियारे में क्या किरदार रहा है। नीलम देवी मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की पत्नी हैं और अपने बयानों के लेकर हमेशा चर्चा में रही हैं। आपको बता दें कि नीलम देवी पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में नीलम देवी मुंगेर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ी थी, क्योंकि अनंत सिंह के नाम पर महागठबंधन के सभी दल सहमत नहीं थे। वहाँ उनका सीधा मुकाबला NDA के ललन सिंह के साथ हुआ था। हालांकि वो चुनाव नीलम देवी 1,00,000 से अधिक वोटों से हार गई थी। बताते चले कि अनंत सिंह कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी हुआ करते थे, लेकिन अब दोनों का एक दूसरे से 36 का आंकड़ा चल रहा है। एक समय था जब राजद सुप्रीमो लालू यादव कहा करते थे कि अनंत सिंह को जेल भेजने वाला मैं ही हूँ, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है और अनंत सिंह लालू यादव की पार्टी राजद के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए पर्चा दाखिल किए हैं।